आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हॉफ से मुलाकात में ताजर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने लाहौर को हेडक्वार्टर में मुनाकिदा इजलास में ताजर बरादरी से मुलाकात में कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को भी फरोग दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70 हज़ार रुपए वाले बिलों को 13000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस सबाबी चेयरमैन रैब को इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन की रेफरेंस की समाप्त जस्टिस के आगा की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने की और फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। HRCP ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से पाए जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाने इस्तेमाल न किया जाए। HRCP की जानिब से बयान में यह भी कहा गया कि निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे। साबिक वफाक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दी। एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी बरामद की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद अहमद की वजारत तजारत ने दी है। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत की, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मौसिन रज़ा नक़वी ने शाहदरा फ्लाई ओवर और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर ज़ेर तमीर अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला मौसिन नक़वी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मौसिन नक़वी ने शाहदरा फ्लाई ओवर की हिफाजती दीवारों की तामीरात पर जारी काम का मुशाहिदा किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बीनी और नायब सदर राजीव शुक्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर आज वाहियाबाद के रास्ते से दोपहर 2 बजे लाहौर पहुंचेंगे। दोनों अहदेदार 5 सितंबर को शेड्यूल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बीनी और नायब सदर राजीव शुक्ला अपने 2 रोजा दौरे के दौरान चेयरमैन की सभी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ से मुलाकात भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।